दोस्तों आज से एक हफ्ता पहले जब मुझे कम्युनिटी टैब मिला है, तब से बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट्स आ रहा कि भाई आपको कम्युनिटी टैब कैसे मिला, कब मिला, कितना समय लगा। तो आज की इस वीडियो में सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ कि कम्युनिटी टैब कितने समय बाद मिलता है, मतलब जब आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद कितना समय लगता है आपको कम्युनिटी टैब मिलने के लिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं कम्युनिटी टैब मुझे कैसे मिला है। सबसे पहले दोस्तों आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सारा प्यार दिखाया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया, इसलिए दोस्तों मैंने आप पे 1K स्पेशल वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप देखिएगा, बहुत ही इंजॉयमेंट वीडियो है, आप जाइए उसको इंजॉय कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देख लिए होंगे, उसमें लोग बताते हैं कि फीडबैक सेंड करो, वो बताते हैं यूट्यूब से फीडबैक सेंड करो, आप ट्विटर से सेंड करो, मतलब कि आप किसी न किसी तरह करके फीडबैक सेंड कर देते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब आपको फीडबैक सेंड करने के बाद भी कम्युनिटी टैब नहीं मिलता है, ठीक है। तो उस समय आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि दोस्तों जब आप इतनी सारी मेहनत करके कम्युनिटी टैब के लिए एलिजिबल होते हो और वो भी आपको नहीं मिलता है। 1000 सब्सक्राइबर का मिलस्टोन जो बहुत बड़ा मिलस्टोन होता है और उसको कैसे कैसे यूट्यूबर्स क्रॉस करते हैं, हम लोगों जैसे यूट्यूबर्स कैसे कैसे क्रॉस करते हैं और फिर उसके बाद कम्युनिटी टैब नहीं मिलता है, ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं, एकदम रियल टाइम बताने वाला कितने समय आपको लगेंगे कम्युनिटी टैब मिलने के लिए। तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं कितना समय लगता है कम्युनिटी टैब मिलने के लिए। दोस्तों इसमें कई सारे कारण है, मतलब कि अगर आपने सब फॉर सब करके सब्सक्राइबर गेन किया है तो आपको कम्युनिटी टैब मिलने में थोड़ा समय लगेगा, मतलब कि 1 हफ्ता लग जाएगा, ठीक है, 1 हफ्ता या फिर 1 हफ्ता मतलब 8 से 9 दिन लग जाएगा, लेकिन ज्यादातर चांस है कि आपका 5 से 6 दिन में कम्युनिटी टैब मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें दूसरा जो कारण है, अगर आप पे किसी ने गलत तरीके से सब्सक्राइबर सेंड किया है, मान लीजिए आप किसी गिव अवे में पार्टिसिपेट किए थे या फिर आपको कोई गलत तरीके से आपके यहाँ सब्सक्राइबर सेंड कर रहा है, तो अभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको पूरा सर्च करता है। जब आपको आप किसी चीज के लिए एलिजिबल होते हैं तो यूट्यूब आपके पूरे वीडियोस को, आपके पूरे चैनल को बढ़िया तरीके से चेक करता है, ठीक है, कि आप मतलब कोई गलत तरीका नहीं ने अपनाया सब्सक्राइबर्स करने के लिए, तो ये सब पूरा चेक करता है। और चेक करने के बाद जब यूट्यूब खुद से जब पूरा एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है, तब जाके आपको कम्युनिटी टैब मिलता है, मतलब कि अगर आप किसी न किसी गलत तरीके से करके सब्सक्राइबर गेन किया है तो आपको थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। और बात अब आती है कि जो आप रियल तरीके से मतलब कि खुद की मेहनत से सब्सक्राइबर गेन किए उनको कितना समय लगेगा। दोस्तों जो आप खुद की मेहनत से खुद से करके कम्युनिटी टैब के लिए एलिजिबल हुए हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 या 3 दिन लग सकता है, किसी किसी को दोस्तों तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ज्यादा हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। तो मतलब दोस्तों अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैक्सिमम मैं आपको रियल टाइम बता देता हूँ, रियल टाइम आपको मैक्सिमम 5 से लेकर 10 दिन के अंदर आपको कंफर्म, मतलब दोस्तों अगर आपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है तो मैक्सिमम आपको 5 से 10 दिन के अंदर, चाहे आप किसी न किसी तरह का सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कम्युनिटी टैब मिलने वाला है 5 से 10 दिन के अंदर, ठीक है, आपको कोई ज्यादा हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों बाय।